जय श्री राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौर, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। और आज हमारी चर्चा का विषय है जनवरी मास का लग्नफल। आज मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क लग्न की चर्चा होगी। बाकी की चार और अगली चार जो हैं लग्ने, उनको अगले दो एपिसोड में बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज जो पहली चार लग्न है उनके ऊपर चर्चा होगी। इस पूरे महीने में केवल दो ग्रह अपनी राशि बदलेंगे, उनका नाम है मंगल और सूर्य। क्योंकि चंद्र बड़ी तेजी से राशि बदलते हैं, इसलिए उसका नाम यहाँ नहीं लिया गया है। उसकी चर्चा मैं धीरे धीरे कर लूंगा, लेकिन जो मुख्य तौर पर बड़े ग्रहों में बात होती है तो सूर्य और मंगल ही केवल राशि बदलेंगे। तीन ग्रह अस्त होंगे इस पूरे महीने में, शुक्र, बुध और शनि। इनका क्या प्रभाव होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। बुध वक्री होंगे, शुक्र वक्री ही चल रहे हैं, जो 29 तारीख को जाकर के मार्गी होंगे। एक योग बनेगा, उसे हम कहते हैं सूर्य शनि या सूर्य बुध शनि का योग। एक बनेगा कालसर दोष और एक बनेगा मंगल शुक्र की युति। तो इन सभी का क्या क्या प्रभाव होगा, कैसे वो अपना प्रभाव डालेंगे, उनका किस तरीके से प्रभाव देखा जाना चाहिए, इन्हीं सभी चीजों को कोशिश की जाएगी कि एक एक करके हर एक बिंदु को टच किया जाए और उससे वो समझने का प्रयास किया जाए। तो शुरुआत करते हैं मेष लग्न के साथ। मेष लग्न की स्थिति है कि लग्न के स्वामी मंगल अष्टम भाव में स्वग्रही हैं और 16 तारीख को मंगल अपनी राशि बदल करके चले जाएंगे धनु राशि में और सूर्य 14 तारीख को अपनी राशि बदलेंगे। तो ये लगभग आसपास में होने वाले दोनों चेंजेस हैं। तो लग्नेश का अष्टम भाव में स्वग्रही होना, उस पर राहु की पूरी दृष्टि होना, ये दृष्टि योग बना सूर्य राहु का और मंगल का। जब राहु और मंगल आमने सामने होते हैं तो इसे मंगल राहु समसप्तक योग या दृष्टि अंगारक दोष भी कहा जा सकता है। अच्छा योग नहीं है ये, भाषा के लिए भी बुरा है, स्वास्थ्य के लिए भी बुरा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी इसका प्रभाव देखने में आएगा। आठवें घर में जब कोई ग्रह स्वग्रही रहता है तो उसका फायदा इतना जरूर होता है कि कुछ धन संग्रह का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य पर, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, तो प्रभाव देखने में आ सकता है। जब शुक्र जो है सूर्य के साथ हैं तो यहाँ शुक्र कुछ समय के लिए अस्त भी होंगे, 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। तो ये 6 दिन के लिए शुक्र अस्त भी होंगे। अब शुक्र भी अस्त होगा तो शुक्र की स्थिति क्या है कि शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, वैवाहिक जीवन के सुख का, वो अस्त होगा और लग्न का स्वामी कमजोर होगा। यानी लग्न भी कमजोर हुई किसी ना किसी रूप में अष्टम भाव में गई तो, और राहु की दृष्टि के कारण, और सप्तम भाव का स्वामी अस्त हुआ। तो इसलिए ये थोड़ा बहुत तालमेल देखने में आएगा कि जीवन के इस समय में, इस महीने के दौरान, ये जो समय रहेगा 6 तारीख से 11 तारीख तक विशेष तौर पर, इसमें स्वास्थ्य को कोई ना कोई नुकसान देखने में आ सकता है। तो हमें इसका ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। वृश्चिक राशि में चंद्र रहेंगे 1 तारीख को। अब ये भी 8वें घर में है, ये भी अच्छी नहीं, यानी सुखों की कमी की एक संभावना देते हैं। तो 1 जनवरी भी कोई खास अच्छी प्रभाव देने वाली नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे भाव के हिसाब से इसे देखा जाए तो। दूसरे भाव की स्थिति यह रहेगी, यहां पर राहु बैठे हैं और शुक्र बैठे रहेंगे लगातार 9वें भाव में। तो एक तरह से ये दूसरे और 9वें भाव के बीच में एक तालमेल बन गया, दूसरे भाव का स्वामी 9वें भाव में आया। दूसरे भाव में जब राहु रहता है या राहु का किसी भी रूप में संबंध दूसरे घर से होता है तो ये धन देने वाला योग बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुटुंब से संबंधित खराबियां, जीवन साथी का स्वास्थ्य, हमारी भाषा, थायराइड जैसी समस्याएं, कमर दर्द की दिक्कतें देखने में आना, जॉइंट्स पेन की दिक्कतें देखने में आना, बॉडी में क्रिएटिनिन का थोड़ा सा बढ़ना भी देखने में आता है, ये किडनी वालों को समझ में आएगा बात। तो ये सारी चीजों को वो संभालता है, तो ये दिक्कतें देता है, कैल्शियम की कमी करता है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम देता है, भाषा की खराबी देता है। तो इस तरह के ऐब जिससे भाषा के कारण होने वाले नुकसान देखने में आते आएंगे। लगातार शुक्र बैठे रहेंगे 9वें भाव में, तो इस कारण ये प्रभाव पूरे महीने तक दिखाई देता रहेगा। तीसरे घर के हिसाब से इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं।
तो वहां के स्वामी है बुध जो पूरे महीने अपनी राशि नहीं बदलेंगे, वक्री होंगे, अस्त होंगे, पर लगातार रहेंगे मकर में, और मकर राशि में वो बुध शनि एक साथ हैं, और 14 तारीख के बाद सूर्य बुध शनि का योग यहां पे बन जाएगा। सूर्य और शनि की युति भी कोई खास अच्छी नहीं है, लेकिन ग्रह अगर ध्यान देंगे तीसरे भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं तीसरे भाव की स्थितियों को कमजोर करता है, यानी आपके प्रयास, आपकी कोशिशें, भाइयों के साथ आपके तालमेल की स्थितियां यहां प्रभावित होती हुई दिखाई देंगी, उसका प्रभाव जरूर देखने में आएगा। बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण थोड़ी सी राहत बनी रहेगी, उतनी समस्या नहीं होगी जितनी लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना फल भी प्राप्त नहीं होगा, यानी आपके प्रयास पूरे महीने उतना शुभ फल देने की बात नहीं कर रहे जितना हम उससे उम्मीदें कर रहे हैं। ये पॉइंट मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है चौथे घर के हिसाब से देखें सुख। अब जो सुखों की स्थिति है, चंद्र क्योंकि बार बार बड़ी जल्दी जल्दी राशि बदलते हैं, इस कुंडली में जब वो वृश्चिक राशि में, मीन राशि में या कन्या राशि में होंगे तो विशेष रूप से तकलीफ देने वाले हैं। ये परिस्थितियां 1 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख, 23, 24, 27 और 28, इतने सारे दिन, इन 8 दिनों में परिस्थितियां ऐसी होंगी जब चंद्र का प्लेसमेंट अच्छा नहीं आएगा। इन दिनों में आप मन में तनाव महसूस कर सकते हैं, अनइजी फील कर सकते हैं, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जिसका कोई विशेष लाभ होता हो आपको ना दिखाई दे, ये भी संभावना दिखाई देती है। तो इसमें मन को भी तनाव आएगा, घर को तनाव आएगा, यात्राओं की प्रॉब्लम देखने में आएगी, एजुकेशन से संबंधित भी कुछ दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, और आपकी अड़ोस पड़ोस में इमेज को भी कुछ परेशानियां देखने में आ सकती हैं। चंद्र अपने आप में लग्न भी है, तो जब लग्न की स्थितियां वीक होती हैं तो तनाव थोड़ा सा ज्यादा देखने में आ सकता है, थोड़ी सावधानी की जरूरत इन्हीं दिनों में पड़ेगी जो डेट्स मैंने आपको अभी भी बताई। संतान का घर जो 5वां है उसके स्वामी सूर्य फिलहाल तो बहुत अच्छे घर में बैठे हैं, उसमें कोई समस्या, अभी वो आधे महीने तक यानी 13 तारीख तक की उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, वो धनु राशि में है, अब 5वें से 5वें भाव में बैठे हैं, बृहस्पति की वहां पूरी दृष्टि पूरे महीने लगातार पड़ेगी, तो ये स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। थोड़ी समस्या कब शुरू होगी कि जब ये चेंज करके 14 तारीख को चले जाएंगे मकर राशि में, मकर संक्रांति बनाएंगे, उस समय स्थिति ये खराब होगी कि ये अपने भाव से 6ठे भाव में चले जाएंगे, वो भी शत्रु राशि में शनि के साथ, और वहां जाके शनि को अस्त भी करेंगे। तो दिक्कत क्या आई, सोचने समझने की ताकत, सही मौके पे सही फैसला लेने की ताकत, डाइजेशन की बातें, ज्ञान बुद्धि, संतान के सुख, संतान प्राप्ति के सुख, इन सारे सुखों की स्थितियां पहले 13 दिन तक तो अच्छी हैं। जो जो भी इस उम्र में हैं, जिनको जो संतान के लिए उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन ये 14 तारीख के बाद जब से मकर संक्रांति बनेगी, सूर्य अपनी राशि बदल के मकर राशि में जाएंगे, तो ये स्थितियां बिगड़ेंगी। फिर सही मौके पर सही फैसला लेना या एग्जीक्यूटिव डिसीजन गलत होंगे, विचारशीलता गलत होगी, आपको किसी तरह का तनाव महसूस होना शुरू होगा, कॉन्फिडेंस की कमी भी देखने में आएगी, क्योंकि वहां उस पर उस वक्त सूर्य पर जो मकर राशि में होगा शनि के साथ, राहु की भी पूरी दृष्टि का प्रभाव देखने में आएगा। तो ये समय व्याकुलता का रहेगा, सोच समझ की दिक्कत का रहेगा, अनइजी होने का रहेगा, डाइजेशन की खराबियों का भी रहेगा, और अगर आपकी संतान बड़ी है, आप बड़े हैं, आपकी संतान भी बड़ी है, तो उनसे आपके विचारशीलता में दिक्कतें आएंगी, आपसी तालमेल में दिक्कतें आएंगी, बच्चे आपके साथ शत्रुवत व्यवहार, इसका अर्थ ये नहीं कि वह शत्रु हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो आप कह रहे हैं वो बात उन्हें नहीं समझ में आ रही, या वो उस बात को समझना ही नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं एक शत्रुवत व्यवहार संतान की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडली में 6ठे भाव के हिसाब से देखें, 6ठे भाव का स्वामी भी बुध है जो अपनी राशि एक बार भी नहीं बदलेगा, लेकिन 6ठे भाव का स्वामी होकर वो 10वें भाव में बैठा है। जहां भी 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जाते हैं उन भावों को कुछ कम कर देते हैं, प्रभाव घटाते हैं, उनका नुकसान ही करते हैं। तो 10वें भाव में लगातार बुध का रहना कहीं ना कहीं अब ये खराब स्थिति हो गई। बुध वहां पर हमारी कर्म, हमारे प्रयास, हमारे एफर्ट्स को घटाएंगे, हमारी हेल्थ को खराब करेंगे, हमारे कर्जों को बढ़ाएंगे, हमारे शत्रुओं को बढ़ाएंगे, और इनके कारण, इन सब समस्याओं के कारण हमारे जीवन स्तर में कुछ कमी देखने में आएगी, हमारा लेवल में कोई कमी देखने में आएगी, समाज में उस स्तर को मेंटेन करने में आप थोड़ा सा तनाव महसूस कर सकते हैं, यानी आपकी मार्केट में जो इमेज है उसको भी कोई प्रॉब्लम देखने में आ सकती है।
तो थोड़ी सावधानी की यहां जरूरत है। राहु की भी यहां पूरी दृष्टि है, इस कारण से भी तनाव थोड़ा सा अधिक बढ़ेगा। तो ये एक लमसम स्थिति हो गई छठे घर की, जो बीमारियों को बढ़ा रहा है, दशम भाव में बैठ करके स्थितियों को कमजोर कर रहा है। और बुध तो अपनी राशि बदलेगा ही नहीं, एक बार भी वक्री होगा, अस्त होगा, लेकिन घुमा फिरा कर रहेगा मकर में। तुला की बात करते हैं, जो सातवां भाव है हमारा, यहां पे जो शुक्र की स्थिति है वो लगातार शुक्र बने रहेंगे आपके नौवें घर में, छह दिनों के लिए अस्त भी होंगे, जिसकी चर्चा अभी मैंने थोड़ी देर पहले की। इस दौरान वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ तनाव आएगा। बाद में जब मंगल अपनी राशि बदलेंगे, सूर्य चले जाएंगे मकर में और मंगल आ जाएंगे शुक्र के साथ, तो इस शुक्र मंगल योग बनेगा। अब ये भी अच्छा योग नहीं है, खास तौर पर जब पांचवें भाव, सातवें भाव और नौवें भाव में शुक्र मंगल योग बनता है, तो ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव देने की जिम्मेदारी लेता है। यहाँ शुक्र और मंगल दोनों ही लग्न और सप्तम भाव के स्वामी हैं, जो धनु राशि में बैठेंगे, और कोई विशेष सुख की यहाँ पे स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि एक तरफ केतु और एक तरफ शनि और सूर्य होंगे, तो पापकर्त्री का तो हिसाब नहीं बनता है, लेकिन सूर्य के कारण और केतु के कारण दो पापी ग्रहों के बीच में फंसेंगे। तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल, ससुराल वालों के साथ तालमेल में थोड़ी सी दिक्कतें आपको देखने में आने वाली हैं। तो इन दिक्कतों का सामना तो आपको करना पड़ेगा, सावधानियां अपनी जगह हैं, वो भी बताने का प्रयास करूंगा। ये योग 16 जनवरी से रहेगा, तो महीने के आखिर तक लगातार बना रहेगा। भाग्य की स्थिति यहाँ पे लगातार बृहस्पति जो है 11वें भाव में बैठे रहेंगे, और पूरे महीने वो अपनी कोई भी राशि, कोई भी परिवर्तन कुछ भी नहीं करेंगे, वही लगातार वहीं रहेंगे। तो स्थिति अच्छी है, भाग्य का सपोर्ट थोड़ा मिलने की पूरी उम्मीदें की जा सकती हैं। जीवन स्तर का कंट्रोलर शनि यहाँ पर राजयोग बनाता है, जिसका नाम है शशक महायोग। काफी लंबे समय से, लगभग जनवरी 2020 से ही बैठे हैं, अपने राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, उसका लाभ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति एक बार आएगी कि शनिदेव अस्त होंगे, और ये 19 जनवरी से अस्त हो जाएंगे, जो फिर फरवरी में जाके उदय होंगे। तो ये समय फिर से जीवन स्तर के लिए दिक्कत का होगा, तनाव का होगा, और बुध साथ में बैठे हैं, तो सूर्य भी आया, बुध भी आया, शनि, तीनों एक साथ हुए, जिसमें बुध भी अस्त हुआ, जो कि बुध पर ज्यादा असर नहीं होता अस्त का, लेकिन एक बात, और शनि भी अस्त हुआ, तो निश्चित रूप से जीवन स्तर को लेकर के तनाव देखने में आएगा। आपकी इमेज, आपकी पोजिशन, मार्केटिंग थोड़ा सा संभाल के करने की जरूरत पड़ेगी। जब यहाँ शनि अस्त होंगे, तो वही 11वें भाव के भी स्वामी हैं, तो हमारी आमदनी भी निश्चित रूप से प्रभावित होगी, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। 12th हाउस के कंट्रोलर हैं गुरु, जो 12वें घर का स्वामी अपने से 12वें घर में बैठा है, यानी ये खर्चों की स्थितियों को बिलोंग करता है। आमदनी होगी तो खर्चे होंगे, लेकिन आमदनी कम तो खर्चे ज्यादा, इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चित रूप से खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम हो रही है, तो इन सब चीजों का भी इम्पैक्ट ये देखने में आएगा। अब देखिए, पारिवारिक कलह भी बढ़ रही है, जीवन स्तर को दिक्कतें देखने में आ रही है, आमदनी को भी थोड़ी सी दिक्कत देखने में आ रही है, भाषा और कुटुंब का सहयोग नहीं मिल रहा, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां देखने में आ रही हैं। तो इतनी सब स्थितियों के हिसाब से लमसम ये समझा जा सकता है कि इस पूरे महीने में, खासतौर पर आधे महीने के बाद, परिस्थितियां आपके बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। अगर लग्न को ही मजबूत किया जाए तो बहुत सी स्थितियां ठीक की जा सकती हैं। तो मंगल ग्रह की पूजा पाठ अगर करते हैं तो थोड़ा फायदा देखने में आ सकता है, जिससे कि जब लग्न मजबूत होगी तो परिस्थितियों को सहना, उसे सह लेना आसान हो जाता है। तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, और गुरु के बीज मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है। तो मंगल और गुरु के बीज मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं, तो इससे ये उम्मीद है ये महीना, जो दिक्कतें देखने में आने की उम्मीदें हैं, वो थोड़ी कम होंगी। जिन दिनों, वो जो डेट्स हैं जो मैंने पहले बताई, दोबारा बताई देता हूं, वो है 1, 8, 9, 10, 23, 24, 27 और 28। इन तिथियों को भगवान शिव को जल चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इससे चंद्र को बल मिलेगा और आपके सुखों की स्थितियां मेंटेन होंगी। तो ये उपाय करने से ये महीना शांति से निकल जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की स्थिति अच्छी है, लगन में राहुदेव विराजमान है और लगातार विराजमान है। राहु यहां पर अपनी उच्च राशि में है, लगन में होने के कारण कुछ हद तक राहु खराब अपनी जगह अलग बात है, लेकिन सोच समझ, प्लानिंग, ताकत, सामर्थ्य, गुस्सा और आक्रामकता, यहां आक्रामकता का भाव है, बौद्धिक आक्रामकता, उनमें अक्ल होती है, ज्ञान होता है, बौद्धिक सामर्थ्य होती है, और बहुत तेजी से कंक्लूजन निकालना, फैसला लेना, असेसमेंट करने की ताकत समझी जाती है।
तो इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पर यहां एक जबरदस्त समस्या है, वह है लग्नेश शुक्र का लगातार अष्टम भाव में बैठना। और कुछ दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए, 6 से 11 तारीख तक जनवरी में वो अस्त भी हो जाएगा। तो लमसम गोचर के हिसाब से ये लग्न दोष की स्थिति हो गई कि लग्न में पापी ग्रह बैठे और लग्नेश अष्टम में जाकर के अस्त, तो इससे ज्यादा खराब स्थिति क्या होगी। तो स्वास्थ्य को तनाव देखने में आएगा, आप औरों के लिए अकलमंद साबित होंगे, फायदेमंद साबित होंगे, आपके ज्ञान से औरों को फायदा होगा, लेकिन सारा नुकसान ये होगा कि आपका अपना स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। लग्न सप्तम भाव से सप्तम भाव भी है, यानी अगर लग्न कमजोर पड़ती है तो उसका सीधा असर वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। सप्तम भाव दशम भाव से दशम भाव है, लग्न कमजोर हुई तो सातवां कमजोर हुआ, सातवां भाव कमजोर हुआ तो उसका प्रभाव दशम भाव यानी हमारे आमदनी, रोजमर्रा की आमदनी, हमारे जीवन स्तर पर आएगा। तो एक अकेली लग्न के कमजोर होने से सुखों पर भी फर्क पड़ेगा, वैवाहिक जीवन पर भी फर्क पड़ेगा और जीवन स्तर पर भी फर्क पड़ेगा। और ये फर्क पहले 10-11 तारीख तक, 6 तारीख से 11 तारीख तक तो ज्यादा ही दिखाई दे सकता है, उसके बाद में स्थितियों में थोड़ा सा सुधार आएगा। लेकिन लग्न का स्वामी शुक्र लगातार 12वें घर में बैठा रहेगा तो ये स्थिति सावधानी की होगी पूरे महीने। तो स्वास्थ्य की स्थिति की बात हो गई। राहु के कारण आप में बौद्धिक सामर्थ्य बना रहेगा जिसका कुछ लाभ हानि भी देखने में आएगा। संतान के घर पर इसकी पूरी दृष्टि पड़ने के कारण जो इस समय इस उम्र के हैं जिन्हें संतान के लिए नया नया योग बना है, उन्हें एवर्शन होने की एक संभावना से इंकार नहीं है, क्योंकि यहां पर राहु की पूरी दृष्टि भाव, कौन सा भाव, 5वें भाव और भावेश बुध दोनों पर एक साथ पड़ेगी, तो इसका यह प्रभाव भी देखने में आ सकता है। कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ फैसले गलत हो सकते हैं, कुछ गुस्से के कारण आप गलतियां कर सकते हैं, आप अपने वैवाहिक जीवन को अपने गुस्से के कारण थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि राहु और मंगल दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये सावधानियां बरती जानी जरूरी हैं। और महीने के आखिर में आकर के जो लगभग मान के चलिए कि 27 तारीख से कालसर्प दोष का निर्माण भी होगा पूरी तरीके से, जिसका प्रभाव भी सेहत पर ज्यादा आएगा। तो वृषभ के लिए सेहत की स्थिति कितनी खराब है और उसका कहां कहां प्रभाव आएगा, अभी मैंने केवल इतनी चर्चा की। दूसरा भाव है धन भाव। धन भाव का स्वामी 9वें भाव में लगातार बैठा रहेगा, शनि के साथ बैठा है, शनि और बुध मित्र हैं, तो ये स्थिति यहां फिलहाल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो लगातार धन की स्थिति, कुटुंब के साथ तालमेल, आपकी बोली भाषा व्यवहार ठीक बना रहेगा, उसमें इतनी समस्या नहीं आ रही देखने में, केवल आपका अपना स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, कुटुंब के साथ तालमेल बराबर बना रहेगा। अब बात आ जाती है तीसरे भाव के हिसाब से देखते हैं तो चंद्रदेव। अब जब जब चंद्रदेव की पोजीशंस खराब होंगी तो आप दिक्कतें आएंगी, जैसे कि 2, 3, 11, 12, 25, 26, 29, 30 और 31 इन तिथियों में विशेष रूप से चंद्र की पोजीशन कमजोर होगी, धनु मेष और तुला राशि में आएगी। और यहां जब वो धनी में होंगे तो अष्टम भाव में होंगे, तुला राशि की बात करेंगे तो 6ठे भाव में होंगे, मेष राशि की बात करेंगे तो 12वें घर में होंगे। तो इन दिनों में आपको अपने भाइयों के साथ तालमेल में दिक्कत आएगी, प्रयासों के फल कम मिलते हुए से दिखाई देंगे, यानी उतना आनंद नहीं आएगा जितना आप उम्मीद कर रहे थे। तो सेहत ठीक नहीं, व्यक्तित्व ठीक नहीं, स्टेटस को दिक्कत, पारिवारिक जीवन को दिक्कत और आपके कर्म की प्रधानता गड़बड़ हो रही है, प्रयास गड़बड़ हो रहे हैं, मेहनत नहीं आ रही, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। सुखों के योग की बात करते हैं तो सुखों का स्वामी जो सूर्यदेव हैं वो पहले 14 तारीख तक यानी 13 तारीख तक कम से कम बैठे रहेंगे अष्टम भाव में, ये खराब स्थिति है। इस दौरान आपको सुखों का योग नहीं मिलेगा, तनाव बढ़ेगा, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, माता जी का सुख और स्वास्थ्य भी गड़बड़ होगा, फिजूल की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, भागदौड़ बहुत बढ़ेगी, डॉक्टरी इलाज भी देखने में आ सकते हैं। लेकिन जब, और एक रूल ये है कि जब ये लग्न के साथ बैठा होता है और लग्नेश के साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं इसका स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव, आंखों पर भी प्रतिकूल प्रभाव आएगा देखने में। लेकिन जब भी अपनी राशि को बदल लेंगे तो स्थितियों में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं होगा, तब अपने भाव से 6ठे भाव में होंगे तो भी सुखों की स्थिति खराब है। तो लगातार सुखों की स्थितियों में कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ तनाव यहां पर बने रहेंगे। इसका सीधा सीधा लेना देना, सुख तब प्राप्त होता है जब आपका लग्न मजबूत हो, लग्न मतलब स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सुख प्राप्त होगा, अन्यथा सुख कैसे प्राप्त होगा। स्वास्थ्य खराब है, वैवाहिक जीवन खराब है, रोजमर्रा की आमदनी में कुछ दिक्कतें देखने में आ सकती हैं और आपके जीवन स्तर को फर्क पड़ेगा, तो सुखों का असर भी अपने आप उससे जुड़ा हुआ है। तो ये स्थितियां भी कोई बहुत सुकून भरी नहीं है।
इसके बाद आती है संतान पक्ष की। संतान पक्ष की स्थिति यहाँ पे अच्छी है। राहु की दृष्टि के कारण जो एक एबॉर्शन की चर्चा मैंने पहले की थी वो सब पे तो लागू नहीं हो सकती है, लेकिन जो इस वक्त पिता बन रहे हैं या जिनके लिए नई नई कुछ खुशखबरी आई हैं उन्हें माइनर सावधानी की जरूरत होगी, अन्यथा ये बिल्कुल ठीक है। पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम भाव में बैठा है बुध, ये हालात ठीक है, इसमें कोई समस्या कोई परेशानी होती हुई नहीं दिखाई देती। पर आमतौर पर जब बुध और शनि एक साथ हों तो इस दौरान संतान के साथ संतान आलसी होती है, संतान से तालमेल की दिक्कतें आते हैं आने लगती हैं, उनसे व्यवहार उनसे एडजस्टमेंट की दिक्कतें भी देखने में आती हैं, डाइजेशन भी खराब होता है, कब्ज जैसी शिकायतें बढ़ती हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स एसिडिटी की प्रॉब्लम भी इस दौरान बढ़ती हुई देखी जाती है। अपने लिए दिमाग चलता नहीं है, दूसरों के लिए दिमाग बहुत चलेगा, किसी और की समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, लेकिन जब बात अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन की आएगी तो दिमाग गड़बड़ा जाता है, उतने अच्छे रिजल्ट ही नहीं निकाल पाते जितने उम्मीद होती है, तो ये भी एक देखने में आएगा। छठे भाव के हिसाब से देखें तो छठे भाव का स्वामी लगातार अष्टम भाव में बैठा रहेगा। इसका एक मीनिंग निकाला जा सकता है कि छठा भाव है शत्रु और बीमारियां, अष्टम भाव है मृत्यु, तो शत्रु मर गए, तो कुछ हद तक फायदा ये हुआ कि सिवाय स्वास्थ्य के और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आएगी, शत्रुओं का या और कोई आप पे कुछ कर्ज है कुछ समस्याएं कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आने की उम्मीदें लगभग बिल्कुल नहीं है। वैवाहिक जीवन के घर में मंगल बैठे हुए हैं, जब तक ये स्वग्रही है तब तक तो चलो फिर भी स्थिति ठीक है, लेकिन जब ये मंगल यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे और ये जब शिफ्ट करेंगे अपनी राशि को बदलेंगे 16 तारीख को, तो स्थितियाँ ये आएंगी कि अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अब देखिए क्या हुआ कि लग्न का स्वामी भी आठवें घर में होगा, सप्तम का स्वामी भी आठवें घर में होगा, और इसका जो पूरा पूरा असर आएगा दृष्टि वो आएगी दूसरे भाव पे। ये काफी खराब योग है, मैं इस नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन के लिए बड़ा तनावपूर्ण समय हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी अपनी कुंडली है उसमें कोई इस तरह की खराब स्थितियां भी पहले से हुई तो वैवाहिक जीवन को अत्यधिक कष्ट प्राप्त हो सकते हैं, सावधानी की यहां बहुत जरूरत पड़ सकती है। शुक्र मंगल का योग बनेगा जो अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी अभी अभी चर्चा हुई है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के साथ साथ आपको कुछ यूरिन की प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, इस तरह की समस्याएं या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी देखने में आ सकता है, लेडीज को पीरियडिक प्रॉब्लम्स भी इस दौरान बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं, ये सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी। अष्टम भाव का स्वामी लगातार बैठा रहेगा दशम भाव में, ये खराब स्थिति है, क्योंकि जहां छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी जाते हैं वो उन भावों को खराब कर देते हैं, उन भावों की स्थितियों को खराब करते हैं, तो इससे जीवन स्तर की स्थितियां खराब होंगी। और जब शनि जो है 19 तारीख को अस्त होंगे तो स्थितियां और अधिक खराब होती हुई दिखाई देंगी कि अष्टम भाव का स्वामी चला जाएगा दशम भाव में और दशम भाव का स्वामी हो जाएगा अस्त। सेम स्थिति भाग्य के स्थान की है, वैसे तो बहुत अच्छी है, पर जब 19 तारीख को यहां पर शनिदेव अस्त होंगे तो भाग्य की स्थितियां पिता के साथ तालमेल की स्थितियां कमजोर होंगी, क्योंकि वहीं पर सूर्य भी शत्रु राशि में होकर के आ जाएगा, तो ये योग बड़ा शुभ नहीं है, निश्चित रूप से तनाव बढ़ाने वाला योग बनेगा जहां भाग्य भी आपका बहुत अधिक सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। जीवन स्तर को दिक्कत आ रही है, भाग्य को दिक्कत आ रही है, इस दौरान पूजा पाठ के डिस्टर्ब होने यानी ईश्वर की कृपा प्राप्त करने में भी आपको समस्याएं देखने में आएंगी। 11th हाउस का कंट्रोलर है गुरु। अब गुरु की पोजीशन ऐसी है कि वो लगातार अपने से बारहवें लेकिन कुंडली के दशम भाव में बैठे रहेंगे, तो एक एवरेज आमदनी जो आपकी रेगुलर आमदनी पहले से चल रही है वो निरंतर आती रहेगी, उसमें कोई समस्या देखने में नहीं आएगी। तो एक ये लाभ हो गया कम से कम कि एक खर्चे आएंगे या दिक्कतें आएंगी या हेल्थ को दिक्कत आएगी, पर फिर भी एक रेगुलर आमदनी जो आपकी तनख्वाह है या व्यापार की एक जो जनरल आमदनी है वो आपकी आती रहेगी, उसमें आपको ज़्यादा समस्या देखने में नहीं आएगी, उसका भी बड़ा सहारा हो जाएगा। अब बारहवें घर की स्थिति को देखते हैं तो जो मंगल है पहले तो वो बैठे रहेंगे सप्तम भाव में, बारहवें भाव का स्वामी देखो त्रिक भाव का है छठे आठवें बारहवा, तो ये जो त्रिक भाव के स्वामी जहाँ जाते हैं वहाँ खराब करते हैं, लेकिन क्योंकि हम मंगल स्वग्रही हैं इसलिए अधिक दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये अष्टम में आ जाएंगे तो ये विपरीत राजयोग हो जाएगा। तो इसमें दो विपरीत राजयोग हुए, कौन सा कि छठे भाव का स्वामी जो था शुक्र लगातार बैठा अष्टम में, ये भी एक विपरीत राजयोग है, और बारहवें भाव का स्वामी आ जाएगा 16 तारीख के बाद अष्टम भाव में, तो ये भी एक विपरीत राजयोग हो गया। तो इस कुंडली में दो विपरीत राजयोग का यानी डबल विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, लेकिन इसका कोई बहुत अधिक लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। ओवरऑल कुंडली की स्थितियां कमजोर हैं, मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी बातों को रखने का प्रयास किया। क्या करना चाहिए, अगर हम राहु के लिए कुछ उपाय करें और
शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें तो बात बन जाएगी। यानी कुत्ते को दूध पिलाने वाली बात कर लेते हैं, इतना भी करेंगे, भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं तो भी काम चल जाएगा, और शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो इन तीन उपायों को कर लेते हैं तो ये जितना भी इसमें आराम आना संभव है, जितनी भी स्थितियों को मेंटेन करना संभव है, वो जरूर होगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। अब मिथुन लग्न की स्थिति ऐसी है कि लग्न के स्वामी लगातार अष्टम भाव में बैठे रहेंगे। देखिए कितने कमाल की बात है कि मेष लग्न में भी लग्न दोष का निर्माण हुआ, वृषभ लग्न में भी लग्न दोष का निर्माण हुआ, और मिथुन लग्न में भी लग्न दोष का निर्माण हो रहा है। यहां भी लग्न का स्वामी अष्टम भाव में बैठा है, कितनी कमाल की स्थिति है। और यहां पर फिर वो अस्त भी होगा, ठीक है, बुध के अस्त का ज्यादा प्रभाव नहीं था, वक्री भी होगा, शनि के साथ है, सूर्य भी साथ में आ जाएंगे कुछ समय के लिए। तो लग्न के स्वामी का आठवें घर में बैठना अच्छी बात नहीं है, ये स्वास्थ्य को निश्चित रूप से तनाव देता है। दूसरा भाव है हमारे धन भाव का, बोली का, भाषा का, व्यवहार का, परिवार के साथ तालमेल का, उस संपत्ति का जो बुजुर्गों की तरफ से हमें प्राप्त होती है। अब जितने समय तक वो वृश्चिक में यानी चंद्र वृश्चिक राशि में, मकर राशि में और वृषभ राशि में रहेंगे, थोड़े थोड़े तनाव की स्थितियां बनेंगी। अब ये कब कब रहेंगे, ये रहेंगे 1 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 27 और 28, इन दो दिनों में वृश्चिक और मकर में उनका प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पे जब इतने समय परिवार के साथ भी आपकी कुछ खींचतान होगी, व्यवहार में एडजस्टमेंट में दिक्कतें देखने में आएंगी, और कुछ धन का लॉस भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आपको सावधानी की जरूरत पड़ेगी। सुखों के घर के स्वामी की चलो अच्छा पहले चर्चा करते हैं तीसरे भाव के स्वामी की। अब तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति क्या है, जो कर्म का है। पहले 13 दिन तक तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, सातवें घर में बैठा है, प्रयास का रिजल्ट देगा, मेहनत का रिजल्ट देगा, आपकी कोशिशों का रिजल्ट देगा। लग्न दोष होने के बाद भी उसका प्रयास बने रहेंगे, रिजल्ट आते रहेंगे, तो चलिए काम चलता रहेगा, यानी भाइयों से भी एडजस्टमेंट होगा, मेहनत के रिजल्ट भी आएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जब सूर्य चले जाएंगे मकर राशि में अष्टम भाव, तो स्थिति और खराब हो गई। अब आपको ना तो प्रयासों का फल मिल रहा है, ना मेहनत का फल मिल रहा है, आपकी आंखों की दिक्कत बढ़ रही है, आपकी भाषा की दिक्कत बढ़ रही है, आपकी सेविंग्स कम होने की बात आ रही है, हर तरीके की गड़बड़ झाला, भाइयों के साथ विशेष विरोध, पिता से विरोध, ये सब शुरू होने वाला है। तो स्थितियां तनाव की रह सकती हैं। अब यहां स्थिति आती है कि सुखों की बात करते हैं, चौथे भाव की। चौथे भाव का स्वामी भी लगातार अष्टम भाव में बैठा रहेगा, और उसको एक तरफ पहले सूर्य है, दूसरी तरफ गुरु, बाद में सूर्य भी उसके साथ ही आके बैठ जाएगा, तो ये भी अच्छा योग नहीं है। सुखों के स्वामी का आठवें घर में होना भी शुभ लाभ नहीं हो सकता। माताजी का स्वास्थ्य, जीवन स्तर, भागदौड़, यात्राएं सब देखने में आएगा, तो बहुत अनईजी हो सकता है, कम मजा आ रहा है, प्रेशर ज्यादा आ रहा है। एक चौथे घर से हम अपनी अड़ोस पड़ोस की इमेज को भी देखते हैं, उसको भी कुछ धक्का देखने में लग सकता है, तो लोग हमसे थोड़ा सा पर्दा करें, मतलब एक गैप बना के चलना शुरू कर दें, ये भी हो सकता है। चाह के भी हम जैसे होता ना, बुरे वक्त में आदमी फोन करे तो कोई फोन भी नहीं उठाता, तो ये स्थितियां भी देखने में आ सकती हैं। तो आपको थोड़ा अधिक सजग रहने की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। पांचवें घर की स्थिति है कि शुक्र लगातार केंद्र में बैठे रहेंगे, यानी सातवें भाव में धनु राशि, ये बहुत अच्छी स्थिति है। आप इतने सब दिक्कतों के बाद भी आपका संतुलन अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य में विशेष बात हो रही है, केवल आपके डाइजेशन की बात मैं कर रहा हूँ, पाचन तंत्र की बात कर रहा हूँ, वो मेंटेन रहने वाला है, बच्चों के साथ तालमेल मेंटेन रहने वाले हैं, बच्चों का सुख मेंटेन रहने वाला है, उसकी कोई समस्या नहीं। और बृहस्पति की पूरी दृष्टि भी वहां पड़ रही है, तो संतान के सुख, पढ़ाई लिखाई का सुख आप निकालते रहेंगे। तो लग्न दोष अपनी जगह काम करेगा, लेकिन फिर भी संतान वाली स्थितियां, संतान प्राप्ति वाली स्थितियां, बच्चों से मिलने वाले सुख की स्थितियां बराबर अच्छी हैं। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ पाएंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी निकाल पाएंगे, यह आपको कोई खास दिक्कत देखने में नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हो रही होंगी आपका। छठे घर में जब केतु बैठता है तो ये शत्रुओं पर जबरदस्त दबाव बनाता है, मतलब बहुत सारे शत्रुओं के साथ आप सेटलमेंट करने में कामयाब होंगे। मंगल भी वहां पर बैठता है, आप शत्रु विजय योग समझिए, तो हम जीतते हैं। लेकिन 12वें घर में राहु का होना शुभ नहीं है, इसी के साथ 12वां घर में जानबूझ के जोड़ रहा हूं, ये कानूनी खींचतान और जेल योग भी बनाता है, ये बंधन योग बनाता है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है, इसका नुकसान देखने में आ सकता है। बंधन का अर्थ सदा जेल ही ना लो,
बिना मतलब के कानूनी भागदौड़, चाहे फिर वो एक बिजली के बिल का ही नोटिस क्यों ना आ जाए और उसके लिए आपको बिजली दफ्तर में भागदौड़ गाना करनी पड़े, ऐसा गोचर में ये प्रभाव देखने में आ सकता है। जब तक परमानेंट कुंडली में बहुत खराब स्थिति नहीं होगी, जेल योग नहीं बनेगा, लेकिन तनाव, बंधन, भागदौड़, मुफ्त की भागदौड़, अगर सोचिए आप हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं आईसीयू में किसी कारण से, तो भी बंधन है, आप अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकते और कोई आपसे मिलने नहीं आ सकता, तो ये बंधन योग कहना ज्यादा सटीक होगा। तो बंधन योग आप पर बन जाएगा जो खराब स्थिति है, तो थोड़ी सावधानी रखिए। शत्रुओं से तो थोड़ा बहुत जीत लोगे लेकिन कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सातवें भाव की स्थिति यह है, कोई बुराई नहीं है लेकिन जब तक वहां सूर्य बैठे हैं और सूर्य शुक्र हैं तो कुछ समय के लिए शुक्र अस्त होंगे 6 दिनों के लिए, तो दिक्कत आएगी। शुक्र कहीं ना कहीं हमारे सोच समझ को, हमारी संतान के सुखों को, हमारे वैवाहिक जीवन के सुखों को मेंटेन करते हैं और उसका अस्त होना शुभ नहीं है, पर ये 6 दिन की बात आएगी करीब। उसके बाद में यहां से सूर्य चले जाएंगे जब अगली राशि में और यहां आ जाएंगे मंगल। तो कुंडली में एक नियम यह है कि पांचवें, सातवें, नौवें भाव में मंगल शुक्र का योग विशेष रूप से कष्ट देता है और यहां आएगा तो निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। जो प्रेम में है, ऐसे हैं जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, उनका किसी से प्रेम चल रहा है, तो उस प्रेम में भी कुछ खींचतान देखने में आ सकती है, उसमें लड़ाई हो सकती है, ये देखने में आ सकता है, या आपका किसी से इस तरह की कुछ कंफ्लिक्ट हो सकता है जो बाद में आपके अपमान का कारण बन जाए। इस मुद्दे पर विशेष ध्यान रखिए कि आपको सावधानी बरतनी है। हर बार जो भी दोस्त बनता है वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा ही हो, कभी कभी बुरे दोस्त भी मिल सकते हैं, मैं ये इशारा कर रहा हूं। तो यहां थोड़ी सावधानियों की दिक्कत आएगी क्योंकि ये जब मंगल शुक्र का योग है, ये भी कहीं ना कहीं चरित्र पर कुछ पॉइंट लगाता है, अच्छा योग नहीं समझा जाता, ये चरित्र की कमजोरी भी काउंट किया जाता है। अष्टम भाव के अंदर शनि स्वग्रही है, अपने आप में एक सुंदर योग है और थोड़ी देर पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा तो छठे घर में स्वामी भी छठे घर में स्वग्रही था, तो ये भी एक योग होता है, और दशम अष्टम का स्वामी अष्टम में स्वग्रही, ये भी, तो ये भी दो अलग अलग किस्म के योग हैं, आप सब प्रभाव देते हैं। मंगल 16 तारीख को यहां से हट जाएगा, पहले 16 दिन रहेगा, शनि 19 तारीख से अस्त होगा, तो ये थोड़ी सी स्थितियां थोड़ी सी खराब हो जाएंगी, 19 तारीख के बाद ये योग का उतना असर नहीं आएगा, तो हमारी सेविंग्स घटेंगी, जमा पूंजी घट रही है, कहीं ब्लॉक हो रही है, अगर हमने बिना सोचे विचारे किसी को पैसा दिया तो हमारा पैसा फंस सकता है, डूब सकता है, या कोई हमसे छीन भी सकता है, या हमें ऐसी चीजों में खर्च करना पड़ सकता है जिसकी वास्तव में जरूरत नहीं थी। तो थोड़ी सावधानी रखें, सोच विचार करके कोई काम करें, जबरदस्ती का झगड़ा मोल ना लें क्योंकि आपके लिए परिस्थितियां फेवर नहीं कर रही हैं। भाग्य की स्थिति यह है कि जो भाग्य के स्वामी हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं स्वग्रही होकर, और वो कोई बहुत बड़ा अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि स्वग्रही हैं ठीक है, काम चल जाएगा। वहां बृहस्पति बैठे हैं जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो ये भी एक स्थिति लमसम ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है। 19 तारीख के बाद जब ये अस्त होंगे शनि, तो भाग्य को भी कमजोरी आएगी, धर्म को भी कमजोरी देखने में आएगी, पिता के साथ तालमेल की भी समस्याएं निश्चित रूप से आएंगी, पिता का स्वास्थ्य भी थोड़ा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे सकता है, आपके और पिता के विचारों में भी कुछ मतभेद देखने में आ सकता है, ये सारी स्थितियां भी आएंगी। अब जो आता है दशम भाव, हमारा जीवन स्तर अच्छा है, जीवन स्तर को लेकर के ज्यादा समस्या नहीं है, वहां के जो स्वामी है बृहस्पति वो ठीक बैठे हैं, ज्यादा दिक्कत में नहीं है, लेकिन जब मंगल यहाँ पे शिफ्ट होकर के आएगा तो उसकी चौथी दृष्टि वहां पड़ेगी, वो भी कुछ हद तक शुभ फल देने वाली है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि मंगल षष्ठेश है और षष्ठेश होकर के वो कहाँ जाएगा, पहले सप्तम भाव, और सप्तम भाव से वहां दृष्टि डालेगा दशम भाव पे, तो सातवें घर को भी खराब करेगा और उसकी दृष्टि का प्रभाव भी कुछ खराब आएगा, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जीवन स्तर पर भी आ रहा है और हमारे वैवाहिक जीवन पर भी आ रहा है, जिसकी चर्चा लगातार मैं करता जा रहा हूं। आमदनी का रूल ये रहेगा कि मंगल जब तक छठे घर में रहेंगे तब भी स्थिति ठीक है और जब वो सातवें घर में आएंगे तब भी स्थिति ठीक है, तो आमदनी को यहां लगभग कोई भी विशेष समस्या होती हुई नहीं दिखाई दे रही, वो लगातार ठीक बनी हुई है। घर में राहु का होना अच्छा नहीं है, ये खराब स्थिति है क्योंकि ये हमारे खर्चों को, कानूनी दिक्कतों को, भागदौड़ को, बंधन को बनाता है, तनाव देता है, ये एक तरह से जिसे शैया सुख कहते हैं, बेडरूम एडजस्टमेंट को खराब करता है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा तनाव देने वाला है, ये बहुत अच्छी स्थितियां मेंटेन नहीं करेगा। अब स्वास्थ्य खराब होगा, भागदौड़ बढ़ जाएगी, मन का सुकून नहीं होगा, तो इन सब चीजों का प्रभाव तो कहीं ना कहीं देखने में आएगा ही। बात यह आती है कि अब नवसम सारी कुंडली पढ़ ली कि क्या करें, बुध के बीज मंत्रों का जाप करें, गणेश जी की पूजा अर्चना करें, इससे लाभ होगा,
संभव हो तो बृहस्पति के बीज मंत्रों का भी जाप करें। इससे जो कुछ भी परिस्थितियां मेंटेन की जानी संभव हो सकती हैं वो जरूर होंगी। बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा खराब है, पर याद रखें कि ये आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है कि अगर जन्म कुंडली की स्थितियां कुछ ठीक हैं तो बहुत खराब प्रभाव देखने में नहीं आएगा। इसलिए गोचर में बनने वाले वीडियो को एक गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल करें। ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपकी भी अपनी एक जन्म कुंडली है। अब बात करते हैं आज के वीडियो की आखिरी लगन की, उसका नाम है कर्क लगन। कर्क लगन की स्थिति है कि लगन के स्वामी बार बार अपनी राशि को बदलेंगे और जब जब भी वो धनु राशि में, कुंभ राशि में और मिथुन राशि में होंगे स्वास्थ्य को तनाव देखने में आएगा। अच्छा, कब कब होंगे वो डेट्स हैं, 2, 3, 6, 7, 15, 10, 29, 30 और 31। इन दिनों में वो धनु, कुंभ और मिथुन राशि में होंगे जो छठे आठवें बारहवें भाव का योग बनाएगा, तो स्वास्थ्य को प्रभाव यहां इन इन दिनों में बिना मतलब घटता बढ़ता सा दिखाई दे सकता है। तो इन तारीखों पे विशेष ध्यान दें अपने स्वास्थ्य के लिए क्योंकि आपका स्वास्थ्य यहां प्रभावित जरूर होगा। सुखों की बात करें, बोली भाषा के हिसाब से देखें, व्यवहार के हिसाब से देखें, कुटुंब से सहयोग मिलने के हिसाब से देखें तो पहले 13 दिन कोई खास अच्छे नहीं है। इस भाव का स्वामी छठे घर में बैठा है तो छठे घर में बैठ के ये परिस्थितियों को कोई खास अच्छा बनाएगा नहीं। लेकिन जब ये शिफ्ट होकर के सप्तम भाव में चले जाएंगे सूर्यदेव 14 तारीख को तो थोड़ी सी स्थितियां फिर भी मेंटेन होंगी। तो कुल मिलाकर यह है कि बहुत अच्छा योग कुटुंब से सहयोग मिलने का नहीं है, बोली भाषा प्रभावित हो रही है, स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तो उतना आनंद नहीं आएगा और धन योग भी थोड़ा सा गड़बड़ यहां पे होगा क्योंकि सूर्य पहले छठे भाव में होंगे बाद में शत्रु राशि में चले जाएंगे तो धन का भी कहीं ना कहीं योग दिक्कत में रहने वाला है। तीसरे भाव की स्थिति यह रहेगी कि यहां के स्वामी बुध लगातार सप्तम भाव में बैठे रहेंगे, ये अच्छी स्थिति है, इसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। यहां लगातार क्या होगा कि राहु की दृष्टि का भी बुध के ऊपर केवल बात करें तो लाभ होगा। राहु की दृष्टि बुध के भाव तीसरे भाव पर भी पड़ रही है और भावेश बुध पर भी पड़ रहा है तो राहु 11वें घर से बैठ के लगातार इन दोनों को कुछ हद तक सुख देगा। 11वें घर में बैठा हुआ राहु राजयोग बनाता है, उसकी दृष्टि का भी सुफल क्योंकि कन्या पर उसकी स्वदृष्टि आएगी और बुध पर उसकी मित्र दृष्टि आएगी। ये स्थितियां बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो लगातार हमारे प्रयास, हमारी जो कोशिशें रहेंगी, हम जिन चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं, भाइयों के साथ तालमेल, हमारे जूनियर सीनियर, हमारे सबॉर्डिनेट्स, उनके साथ एडजस्टमेंट, अगर आप फैक्ट्री वाले हैं तो आपके अपने कारीगर से, इन सब के साथ आपकी तालमेल बिल्कुल ठीक बने रहेंगे, प्रयासों का रिजल्ट मिलने का योग बना रहेगा। इसमें मेरे हिसाब से कोई विशेष समस्या आपको नहीं आएगी। चौथा घर है सुखों का। अब सुखों के स्वामी लगातार 8वें घर में इस पूरे महीने बने रहेंगे जिसमें 6 दिन के लिए वो अस्त भी हो जाएंगे, 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक। ये खराब स्थिति है। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर पूरे महीने जबरदस्त तनाव बना रहेगा और 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक के 6 दिन विशेष रूप से हद से ज्यादा तनाव हो सकता है। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी को बहुत डरने की जरूरत है, लेकिन जिनकी माता जी की उम्र बहुत ज्यादा है, जो खुद बहुत बुजुर्ग हैं, मतलब अब देखिए जो 50 साल के होंगे उनकी माता जी की उम्र भी ज्यादा होगी तो थोड़ा सा तनाव देखने में आएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनकी माँ की उम्र कम है उन्हें दिक्कत नहीं है, दिक्कत है लेकिन ज्यादा डर की बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य की दिक्कतें, तनाव की दिक्कतें, एडजस्टमेंट की दिक्कतें, माता जी के कारण होने वाली भागदौड़, माता जी के इलाज में लगने वाला धन का सारी स्थिति यहाँ पे बन रहा है। उच्च शिक्षा में व्यवधान आते हुए दिखाई देंगे। मकान के खरीदने बेचने में बिल्कुल पैसा ना लगाएं, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। संभव हो तो फिजूल की यात्राओं के लिए ना जाएं क्योंकि आपके घर में तनाव देखने में आ सकता है। तो ये सारी स्थितियां देखने में आ रही हैं चौथे घर से। पंचम भाव में मंगल स्वग्रही है और राहु की पूरी दृष्टि। 5वें घर में मंगल का बेशक वो स्वग्रही है पर केतु साथ में, राहु की पूरी पूरी दृष्टि है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ये अच्छा योग नहीं है। कहीं ना कहीं संतान के उद्दंड होने का, संतान के जिद्दी होने का, संतान के साथ आपके तालमेल को खराब करने का योग देखने में आ सकता है। इस जिद का नुकसान ये होगा कि अगर आप ज्यादा सख्ती करेंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे, तो थोड़ा सा सामंजस्य बना के आपको चलना पड़ेगा। मंगल यहां से शिफ्ट होकर के छठे घर चले जाएंगे तब स्थितियां और खराब हो जाएंगी, कालसर्प दोष का निर्माण हो जाएगा जो खराब है और संतान के घर का स्वामी चला जाएगा आपके छठे घर में, तो यानी संतान शत्रुओं के भाव में गई तो संतान का स्वास्थ्य, आपकी सोच समझ, आपकी प्लानिंग प्रभावित होगी। 5वें घर में वैसे भी पापी ग्रह अगर बैठते हैं
तो हमारे स्वास्थ्य को, डाइजेशन को, सोचने की ताकत को, फैसले लेने की ताकत को बुरी तरह प्रभावित करते हैं, बुरे भाव के हिसाब से प्रभावित करते हैं। तो यानी हम सही फैसले या सही तरीके से सोच समझ डेवलप नहीं कर सकते, तो इसकी दिक्कतें भी हमें देखने में आ सकती हैं। छठे घर में, छठे घर के जो स्वामी है वो अष्टम भाव में बैठेंगे, ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। यहां पर मंगल शुक्र की युति बनेगी, ये भी कुछ हद तक शरारतों के हिसाब से, चरित्र की कमी के हिसाब से, प्रेम के हिसाब से, प्रेम में धोखा मिलने के हिसाब से का समय होगा। थोड़ी सावधानी रखिए अन्यथा दिक्कतें देखने में आएंगी। फिर सूर्य अपनी राशि बदल करके आ जाएंगे सप्तम भाव में। अब सातवें भाव में लगातार शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं बहुत लंबे समय से, मोटे तौर पर तो अच्छी स्थिति है। बुध भी यहां पर बैठे हैं, जब सूर्य आएंगे तो एक खराब स्थिति हो जाएगी कि दो पापी ग्रह दोनों एक दूसरे के विरोधी, वैवाहिक जीवन में प्रभाव पड़ेगा। 19 तारीख को ये अस्त भी हो जाएगा शनि, फिर लगातार फरवरी में जाके उदय होगा, पूरी जनवरी में उदय नहीं होगा। तो वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है, सुखों को भी दिक्कत आ रही है, संतान को दिक्कत आ रही है, माता जी को भी दिक्कत आ रही है, अपना ब्लड प्रेशर, अपनी छाती, अपने हार्ट पे भी दबाव आ रहा है, चौथा घर, इन सब चीजों का भी। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थितियां तो बन नहीं रही। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में ये वैवाहिक जीवन को इस हिसाब से भी प्रभावित करेगा कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, उनके साथ तालमेल में दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। भाग्य का स्वामी बृहस्पति कहां बैठा है, अष्टम भाव में, ये भी एक खराब स्थिति है। तो भाग्य का सहयोग कम मिलेगा, ईश्वर के प्रति भक्ति का योग कुछ घटेगा, पिता से तालमेल, सुखों की स्थितियां कम होंगी। अब जो नौवां घर है वो पंचम भाव से पंचम भाव है, कहीं ना कहीं वो भी संतान के सुखों की कमी की तरफ एक इशारा करता है, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति तो है नहीं। तो भाग्य भी आप निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। अब आ रहा है जीवन स्तर की स्थिति। जब तक मंगल 16 तारीख तक वृश्चिक में रहेंगे तब तक तो चलिए भाग्य की स्थिति या दशम भाव की स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन जब वो शिफ्ट होकर के आ जाएंगे धनु राशि में तो भाग्य की स्थिति यानी जीवन स्तर की स्थिति खराब होगी। हमारा स्टेटस, हमारी पोजीशन समाज में, हमारा रुतबा, उसको थोड़ी सी दिक्कत देखने में आएगी, शत्रु उस पर हावी होंगे, यानी हमारी इमेज को मेंटेन रखना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। हमारी अब इमेज क्या होती है व्यापारी की, कमिटमेंट्स, वो जो कोई कमिटमेंट कर दे, पेमेंट्स का कमिटमेंट कर दे, टाइम पर सामान देने का कमिटमेंट कर दे, वो फेल होगा। ऑफिस के हिसाब से देखते हैं कि आपको जो काम मिला है और जिस टाइम ड्यूरेशन से उसे करने का आप कमिटमेंट कर पाए लेकिन रिजल्ट ही नहीं निकाल पाए, वहां तक काम पूरा नहीं हुआ, तो आपको दो बातें सुननी पड़ गई। तो निश्चित रूप से इस तरह का प्रभाव देखने में आ सकता है। आमदनी के घर में राहुदेव बैठे हैं, यहां कोई खराब स्थिति नहीं है, ये बराबर आमदनी को बनाए रखेगा, पूरी कोशिश करेगा कि इनकम बराबर बनी रहे, प्रयासों के कुछ कुछ रिजल्ट आते रहे। तो एक सुकून की स्थिति है कि तमाम खराब बातों के बाद भी आमदनी को लेकर के बहुत अधिक दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप हो सकता है, ऐसा भी प्लस पॉइंट देखने में आना चाहिए। तो ये गोचर में पॉजिटिव स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है। बारहवें घर का स्वामी जो खर्चों के घर का स्वामी है वो लगातार सप्तम भाव में बैठा है, ये कोई खास ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, ये भी अच्छा है, तालमेल करेगा। यहाँ बारहवें घर का स्वामी तटस्थ है क्योंकि कर्क लग्न के साथ उसकी पोजीशन जो है वो अलग किस्म से देखते हैं। वैसे भी त्रिक भाव में छठे आठवें को ज्यादा कठोर समझा जाता है, बारहवें को उतना ज्यादा कठोर नहीं समझा जाता। तो ये स्थिति एक एवरेज मेंटेन करेगा, यानी आपके खर्चे जो है उतने ही होंगे जितने की बहुत जरूरी है, अनाप शनाप पैसा खर्च नहीं होगा। तो कर्क की स्थिति की बात हो गई, अगर हमने ध्यान दिया होगा तो कालसर्प योग का भी निर्माण हो रहा है, शुक्र मंगल योग का भी निर्माण हुआ, विपरीत राजयोग का भी निर्माण हुआ। तो कोई बहुत अच्छे ग्रह गोचर में पूरे जनवरी में नहीं चल रहे हैं। क्या करें कर्क वाले, हर हालत में उन्हें भगवान शिव की पूजा अर्चना और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा, परिस्थितियों को मेंटेन करने में थोड़ी सुविधा मिलेगी। शुक्र के लिए कुछ दान कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी, इससे भी उन्हें लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो चार लग्नों की पूरे एक जनवरी के महीने में कैसी परिस्थितियां रहेगी, इस संबंध में हमने चर्चा कर ली। अगर आप अपनी जन्मकुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क करेंगे तो कितनी फीस देनी है और कैसे देनी है ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम।